हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल बी स्टार्ट अबाउट चैप्टर नंबर 8 अगेन। मैं तुम वह सर्वनाम, बच्चे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले, मैं तुम और वह सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ मैं थोड़ा सा आपको अगेन एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है बच्चे। सर्वनाम, ठीक है, जो संज्ञा के शब्दों की जगह आते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम, ठीक है बच्चे। और सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, एक वचन बहुवचन, ठीक है बच्चे। सर्वनाम कैसे मतलब कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है, हम ऐसे बोलने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, सुनने के लिए भी, किसी अन्य चीज़ के लिए भी, वस्तु प्राणी और संकेत बताने के लिए भी हम सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे कि अब मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं तुम आप हम वह वे, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम हैं। उसका उसकी, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम। नाउ लेट्स ओपन योर असाइनमेंट नंबर 10। इन इन शब्दों का वाक्य बनाइए, हमने इन शब्दों के वाक्य बनाने हैं। मैं का क्या बनेगा? मैं कल घूमने जाऊंगा, वह स्कूल जाता है। नेक्स्ट है तुम दिल्ली से कब आए? आप कहाँ रहते हो? हम दिल्ली कुतुब मीनार देखने गए। तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है उसकी मेहनत काम आ ही गई। आगे उन्होंने बच्चों को कहानी सुनाई, ठीक है बच्चे। हमने ये क्या किया, सर्वनाम शब्द थे ये, मैं वह तुम आप हम तुम्हारा उसकी उन्होंने, ठीक है। इन शब्दों के हमने वाक्य बनाने थे तो मैंने ऐसे बनाए। अगर आपको लगता है कि आपने दूसरी, आपको कोई लगता है कि आपको सेंटेंस दूसरा बनाना है, वाक्य दूसरी तरह बनाना है, तो आप बना सकते हो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है सर्वनाम के एक वचन रूप पर गोला लगाएं, ठीक है। मैं तुम वे उनके मुझे, इनमें से कौन से वचन एक वचन है? मैं तुम, ये क्या है? एक वचन। नेक्स्ट है किने किसे, ये वे उसे, इनमें से क्या हुआ? किसे वह उसे, ये क्या है? एक वचन। आगे जिसे उन्हें उन्होंने उनका उसकी, अब इनमें से कौन सा उनके एक वचन है? जिसे। नेक्स्ट है सर्वनाम के बहुवचन रूप पर गोला लगाइए, ठीक है। उसकी उनकी उन्होंने तुम सब वे, अब इनमें से बहुवचन कौन से हुए? उनकी उन्होंने तुम सब और वे, ये क्या हुआ? बहुवचन है। आगे उसे उसकी उन्हें उनकी वह, अब इनके लिए बहुवचन कौन कौन से हैं इस लाइन में? उन्हें उनकी, ये क्या है? दोनों बहुवचन है। जैसे कि अब उसे उसकी, अब ये हम एक वर्ड के लिए, उसे क्या काम है हम एक व्यक्ति के लिए, वैसे उन्हें क्या काम है? उन्हें आप पता चल रहा है ना कि हम बहुत लोगों का बात कर रहे हैं, दो तीन लोगों की बात कर रहे हैं, उन्हें उनकी, है ना, ये क्या हुआ? बहुवचन हुए। आगे है ये यह जीने इन्हें कीने, अब इनमें से कौन सा ठीक है बहुवचन है? ये जीने इन्हें कीने, हमने यह क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यह एक व्यक्ति के लिए यूज है, यह क्या काम कर रहा है, ठीक है, ये एक व्यक्ति के लिए। आगे जीने काम है, ठीक है, या ये क्या कर रहा है, इन्हें क्या चाहिए, ठीक है, हम कुछ भी बनाते हैं तो ये क्या है? बहू के लिए यूज हुआ ना, ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है। ये क्या है? सर्वनाम के बहुवचन रूप हमने पढ़े हैं। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।